हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की बज रही है 6:30 और मैं जा रहा हूँ गंगापुरा से बस लेने। ये है ये बीच का रास्ता, बस लेने मतलब बच्चों को लाने के लिए बस वहीं पे है। मैं बाइक से जा रहा हूँ और ये है गंगापुरा से निकलते ही बाद का रास्ता है, जो कि बहुत ही टफ रास्ता है। इतने सारे गड्ढे हैं, पूछो मत। अभी तो सूखा हुआ है फिर भी ठीक है, जब बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई आदमी अगर पैदल चलता है तो निकल नहीं पाता है, और बाइक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, बहुत ही ध्यान से निकलना पड़ता है। ये सारे गड्ढे भर जाते हैं, यहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता है। जो मिट्टी यहाँ अभी सूखी हुई दिख रही है वही वापस कीचड़ में बदल जाती है। इतने सारे गड्ढे हैं कि यहाँ बस को 2 नंबर में ही लाना पड़ता है। पर ज़्यादा नहीं लंबा है रास्ता, लगभग 1 किलोमीटर का ही है, उसके बाद तो वापस रही रोड से ही आ जाती है। यहाँ पे हरे भरे खेत है और ये इस साइड है अपना मोटा होता गांव। ये आ गई ताजी रोड, बस इतनी थी। मोटा होता से जस्ट पहले ताजी रोड आ जाती है। ये पहली मोड है, ये पहला रास्ता है गंगा, इसमें मोटा होता में एंटर करने का। पास में अपना बस बाज रहे हैं गांव के जस्ट पास में। ये यहाँ टायर पंचर की दुकान है, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। और इस साइड ये हरे भरे खेत, एक साइड गांव है, दूसरी साइड खेत पास छोटा सा गांव है। राइट टर्न, इस साइड भी कुछ 5-7 घर है, लेकिन ऑलमोस्ट जो मोटा होता है वो इस साइड रह गया है। ये थोड़ा खाली स्पेस है। वापस लेफ्ट टर्न, अब सीधा जाएगा डे। हरियाली बहुत ताजी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत शानदार फसल खड़ी है। पर ये गायों वाली बीमारी है ना, ये आकार से कम नहीं है। Thank you.
आते टाइम यहाँ से एक स्टूडेंट चढ़ेगा 10th क्लास का। अब वो सामने जो है खान है, इतना बड़ा टीला है, उसमें से जो भी निकला गया है। और ये खेत अभी पहले हमने देखी थी कितनी बड़ी बड़ी फसल है, लोग अभी भी जोत रहे हैं क्योंकि इस बार बारिश है बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो टीला बहुत ही बड़ा है जो कि डे के जस्ट पहले है। आ गया टे ये है डे, और डे में एंटर करते ही लेफ्ट साइड से मुझे टर्न करना है क्योंकि बस जो है बस के लिए शॉर्टकट यही है। और ये भी एक घर है जिससे 3-4 स्टूडेंट आते हैं। भिड़े और बैटरी है, कोई नया बंदा आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि बस कहाँ खड़ी है, कैसे लेके जानी है। थोड़ी मिट्टी आ गई, सामने ये लकड़ी की खिड़की है इसके पास से होते हुए। थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, ये पहला राइट है। उसके पास में बड़े बड़े पत्थर भी रखे हैं। ये लास्ट वाला जो घर है इसी में बस इतनी खड़ी है। और एक खिड़की जहाँ से मैंने एंटर किया था अभी मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ बाइक खड़ी कर दिए, जब बारिश का मौसम नहीं होता तो बस यहाँ खड़ी करते इसके नीचे, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पे बहुत ही कीचड़ हो जाती है, बस का फंसने का जो चांसेस ज़्यादा रहता है, उसके लिए हमने बस को दूसरी साइड खड़ी की है। ये खड़ी है बस।